नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय था मनुष्य की हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों को कहां छुपाया जाए। सभी देवताओं में इस पर बहुत विवाद हुआ। एक देवता ने अपना मत रखा और कहा कि इसे हम एक जंगल की गुफा में रख देते हैं। दूसरे देवता ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, हम इसे पर्वत की छोटी पर छिपा देंगे। उस देवता की बात ठीक पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई कहने लगा, न तो हम इसे कहीं गुफा में छिपाएंगे और न ही इसे पर्वत की छोटी पर, हम इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं। यही स्थान इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। सबकी राय खत्म हो जाने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा, क्यों ना हम मानव की चमत्कारिक शक्तियों को मानव मन की गहराइयों में छिपा दें। क्योंकि बचपन से ही उसका मन इधर उधर दौड़ता रहता है, मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि ऐसी अद्भुत और विलक्षण शक्तियां उसके भीतर छिपी हो सकती हैं, और वह इन्हें बाह्य जगत में खोजता रहेगा। अतः इन बहुमूल्य शक्तियों को हम उसके मन की निचली तह में छिपा देंगे। बाकी सभी देवता भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और ऐसा ही किया गया। मनुष्य के भीतर ही चमत्कारी शक्तियों का भंडार छुपा दिया गया। इसीलिए कहा जाता है मानव मवन में अद्भुत शक्तियां निहित हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें, और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।